हे गाइस, वेलकम बैक टू द मारासी व्लॉग। देखिए आज हमारी आंटी क्या बना रही हैं किचन में। ये कह रही मूली की सब्जी बन रही है, तो ये बना रही हैं। ये कह रही इन्होंने छोंक दिए। क्या क्या डाला था इसमें? मेथी, जीरो, हींग और हल्दी। मेथी, जीरा, हींग और हल्दी और सौंफ का पाउडर भी डाला है। अभी नहीं डाला, वो जब पक जाएंगे तब बनेंगे। अब कैरी काटो। अभी कैरी ले रहे हैं। तो ये हमारा राजस्थान का फेवरेट गर्मियों का फूड है। लेडीज ऐसे बना के रख लेती हैं। कश्मीरी मिर्च चाहिए कलर के लिए? नहीं, कलर नहीं चाहिए, मिर्च तुम पकाई नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो हमारे राजस्थान में ये बहुत कैरी गूंदे इस टाइम, मतलब हर घर घर में अचार, कैर का अचार चल रहा होगा। मतलब किसी की दोपहर वेस्ट नहीं जा रही होगी, है ना। गर्मी में कितने काम करते हैं ना औरतें दोपहर में, पापड़ सेक और इनका केयर की वो टेंटी की अचार डाले हैं ना, कहाँ कहाँ थे बीन बीन किला में। ऐसे काट रहे हैं। इसको ढकने के लिए दूं बर्तन? तो मैंने खा लेते कि निकालो? नहीं नहीं, मैं नहीं खाती, निकालो इनको। मैं नहीं तो खाते, इसमें आप अचार अलग मकान बना रहा हूँ। मैं नहीं खाती। देखो आप खा जा करते हैं और का देख रहे हो तुम, तो पूछ रही हो अलग तो लगा रही ये बीच में से इसको भी निकाल निकाल रही हूँ। ये तो ना ये निकले जब ना फटे ही फटे। अभी ना आ रहे थे 20 मिनट तक नहीं आ रहे अभी तक, है ना। 20 मिनट लग जाएंगे। देख के आई हूँ, खट्टा ज्यादा खाती हूँ। हाँ, तो शाम को ही दाल चावल खिचड़ी वगैरह बनती है शाम को, उसके साथ ऐसे अचार वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैंने हमें 17 ही काट देंगे हम। पापा बोलते इन्हें कच्ची नहीं खाए। पापा को लग रही है। तो मैं तुम्हारे यहाँ कच्ची नहीं ऐसे ले जाऊँगी, तो नहीं तेरी बात नहीं करते। मम्मी काटती है ना बगल में बैठे जीवे खाते हुए लॉन्जी। इसकी बनती है जो खट्टी खट्टी। तो गाइस मेरे घर में आज ये बन रहा है, और गाइस देखिएगा लगाना आप कैसा पाला लगता है मेरा बाबू। दिखाना कैसे दिख रही हो? अच्छा, अरे वाह मेरा चिन्नी लगाओ, चिन्नी लगा के दिखाओ फ्रेंड्स गाइस को। क्या दिखाती हो? क्या काला? अच्छा, चुन्नी लगा के दिखाओ, डांस करके दिखाओ, तब मैं करूँ। ये रहा चुन्नी, ये रखा बाहर है पूरी। दिखाओ, लाओ। तीन निकालते रही हूँ, है ना, और मामी चार चम्मच है, तीन और चार सात है। ठीक है, सात अन्य तो एक होनी होनी चाहिए। ठीक है, और एक भुत मामला रही है कढ़िया में। हाँ, मेहंदी के पास हम तो आते हैं। ठीक है, देखो कुकु गुंतल क्या कर रहा है। गाइस देखिए, कुकु को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुकु के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो बोल दे, बोल जल्दी। अब इसके पापा लव यू। ए
भगवान ऐसे सुंदर बेबी। दिखाना कैसी लग रही हो मुझे तो दिखा दो प्लीज एक बार, मुझे पुच्ची तो कर जाओ प्लीज। हाँ मेरा बेटा। तो गाइस चलिए दिखाते हैं आपको के क्या टैन टैन वो मेरा बाबा दे दे। ठीक है इसको खोलो, बाद में इसमें ये मसाला डाला जाएगा। स्लो गैस कर दे, स्लो पे नहीं होंगे। अच्छा स्लो पे नहीं होते, स्लो पे नहीं होंगे और देर लगेगी। अभी ना आ रहे आप नहीं आ रहे। नमक नहीं डाला? नमक बाद में डालूंगी, अभी तो डालूंगी। अच्छा बाद में डलता है। सब चीज जितनी डलेंगी ये पहली, ये तीनों चीजें डलेंगी है ना, एक साथ डलेंगी ये तीनों चीज। ठीक है फिर हम यहाँ डालेंगे। तुम्हारे सामने डाल रही, तुम देख लो ये चुटते आ रहा हो ना ये, अभी आपे में आते जा रहे हैं, अभी तो ये रखे मैंने एक बार और डाल दूँ गाड़ी में, देख में गई हूँ। देखिए गाइस ये इसने फोड़ दिया है इन सबको, पता है हमारे यहाँ इनको निकाल लेते हैं। किनको? ये जो इसकी गुठलियाँ है ना, इनकी खाए तो मजे आ गए, वो खाते जाए इनका पकौड़े कलर रखते जा गुटलीन पे तो मसाले ही वो। अच्छा वो सारे मसाले डाल दिए और डुबली भरूंगी दोबारा मैंने। बन गई है वो, नॉन से कम लग रहा, तो नमक कम लगे ना तो जिनमें गरम में ही मिला दी उन्होंने। थोड़ा सा और मिला दो तो? नहीं अभी मैं देख लेती हूँ। नहीं मालूम पर ही, नहीं मालूम पर ही कम है, बहुत कम है मुझे अंदाज में लग रहा। मुझे दो नमक दो मैं डालू ज्यादा है जाओ मैडम, नहीं सबर तो रखो ना अभी गर्म है ताकि मैं हाय रुक सार सबर ही तो नहीं। अभी जब मैं हरी मिर्च डालती हूँ तुम खाने तो काट के लंबी लंबी डरते हैं। नहीं ऐसे ही अच्छा लग रहा मुझे। अरे लंबी लंबी डरते हैं बस, सब पांच मिनट की कसर है बस जाम घड़ी लगा के, मैं घड़ी लगा के। गाइस आपका आपको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा, ऐसे ही हम आपके साथ नई नई रेसिपी शेयर करते रहेंगे। प्लीज कुक लाइक कर देना, लव यू गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तंगी बाज के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके लिए नए टमी आ रहे हैं, कुकू के लिए न्यू डॉगीज लेके आ रहे हैं हम, तो कुकू का और कुकू के डॉगीज का नया चैनल बनाएंगे। प्लीज आप लोग हमें शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मम्मी। आज का ब्लॉग आप मम्मी प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं करूंगी मैं, सही कह रही हूँ। गाइज कैसी हो कुकु गुंदल, क्या कर रही हो? देखिए गाइज ये अपनी टांगों को कैसे करती है 360 का एंगल, इसके स्कूल में योगा सिखाते हैं। सो लेट्स गो गाइज, अब कल शाम को मैं अपनी बहन की शादी में जा रही हूँ आगरा, तो तैयारी सारी हो गई है और आज शाम को मैं पैकिंग करूँगी। तो आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं, प्यारी प्यारी विशेस देते हैं हमको, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतनी अच्छी ऑडियंस मिली है, इतने अच्छे लोग मिले हैं कि जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हर चीज़ में सपोर्ट किया है, वो हमेशा सत्य के साथ बने रहे हैं और हमारा चीज़ हमेशा सत्य ही रही है और कोई दिखावा नहीं है, कुछ वो नहीं है। जो भी जैसा भी मुझे गुस्सा आया है, मुझे प्यार आया है, या मैंने किसी से क्षमा याचना करी है, वो सब आप लोगों के समक्ष करी है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है इसकी वो उतार दी थी भाने लगा रही है कोको वो पिचकारी से बना रही है।
पिचकारी से गुब्बारे बना रही है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, हमेशा मुझे इंटरटेनमेंट किया है उसने। और आई एम सो लकी कि मैं मुझे कन्यादन मिला है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। और शैतान देखा, ये हो गई है शैतान की एंट्री, ये आ गए शैतान बाबा। ये क्या कर रही हो? मैं बलून फुला रही हूँ मम्मा। बलून फुला रही हो? कैसे बलून फुलाते हैं? ऐसे फुलाते हैं? ये क्या क्या कर रही हो? वो रुखसार उतार दो, ये कराई करिए। तो आप लोग हमेशा हमारे साथ सदैव ऐसे ही बने रहिएगा। बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के लाइक्स मिलते हैं, आप लोग जब वीडियो को वॉश करते हैं। तो नहीं, रहन दो मैं कर लूँगी अपने आप। और हमेशा वहाँ पे भी जाके मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन बड़ी हूँ, अपना हर चीज़ निभाना पड़ता है और घर में ब्लॉगिंग के लिए कोई साथ में नहीं होता, तो अकेले ब्लॉगिंग करनी पड़ती है। सब लोग एवें ही समझते हैं इस चीज़ को, तो बट मेरे लिए ये चीज़ एवें ही नहीं है, ये भी एक तरीके से मेरी अब ड्यूटी बन गई है आप लोगों को सब चीज़ों से अवगत कराना कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि आप भी मेरे लिए एक फैमिली की तरह हैं। कुको पूरे दिन भर पानी फैलाती रहती है, पूरे दिन भर वॉशरूम के नल चला चला के आती है। तो गाइज ऐसे ही हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा। और चलिए फिर आपको अपडेट कराते हैं कि हम क्या क्या बनाते हैं।